जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि क्या हम थर्ड वेव को न्योता दे रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिन में फेस्टिवल सीजन थे, शादियाँ थी, हम लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो चुके थे कोरोना को लेकर। अभी भी लापरवाही है। 2 साल से जहाँ कोरोना की महामारी पूरे भारत में फैली हुई है, इसको देखते अब हम देखा गया है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो चुके हैं कोरोना को लेकर। मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो करना, ये कहीं ना कहीं हम इसकी प्रति लापरवाही इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां देखा गया है कि पिछले टाइम आपने देखा होगा, डीसी जो जम्मू डीसी हैं अंशुल गर्ग, उन्होंने नाइट कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया था। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। और जैसे कि अभी पिछले दिनों गाइडलाइंस आई थी जिसमें जो आउटडोर इंडोर जो गैदरिंग है वो 25 कर दी गई है। तो देखा जा रहा है कि जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं राइज हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि केसेस राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ रहे हैं। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान के साथ को भी बचाव करना है। अगर हम मास्क पहनेंगे, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। कई सारी जगहों में देखा है, कई सारे देशों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोरोना की जो थर्ड वेव है बहुत भयंकर आ चुकी है। तो जिस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे, क्या हम कह सकते हैं कि हम थर्ड वेव को बुलावा दे रहे हैं? आइए देख, इस वक्त हम हैं परेड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों का रश है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी, मैं कैमरामैन को कहूँगी एक बार इस तरफ घुमा के आपको बताएं कि यहाँ पर कितना रश है। परेड में अक्सर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं। अब जब से मार्केट खुल चुकी है लोगों का भी बाहर निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन लोग मास्क के प्रति लापरवाह हो चुके हैं। लोग मास्क को पहनते हैं, या तो वो चिन पे होता है मास्क, या तो होता ही है। आप देख सकते हैं इस वक्त परेड में कितना रश है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहना ही नहीं, और अगर पहना भी है तो वो मास्क नाम मात्र है। यहाँ लोगों से जानते हैं कि अब मास्क क्यों नहीं पहनते, क्या वजह है, कि क्या कोरोना से अब वो डरते नहीं, क्या कोरोना जैसी महामारी से वो कहीं वो थक चुके हैं कि अब मास्क नहीं पहनना। ये देखिए यहाँ पर है, इनसे जानते हैं, भैया आप मास्क क्यों नहीं पहनते? तो अभी आप दुकान पे हो, इस टाइम पे कस्टमर आएगा, मास्क क्यों नहीं डाला आपने? पहले आप अपना नाम बता दीजिए, अब मास्क क्यों पहन रहे हो हमें देख के? तो देखा आपने, जैसे इन्होंने हमें देखा फट से पीछे हट के मास्क पहन लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको था कि मास्क पहनना जरूरी है। ये देखिए, आंटी आपने मास्क क्यों नहीं पहना? कोरोना से डर नहीं लगता अब? लोग इसको लेके कहीं ना कहीं लापरवाह है। मास्क जैसे ही हमें देखते हैं, हम लोगों से बात करना चाहते हैं, तो लोग फटाफट से मास्क पहन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अपने आप में एहसास होता है कि हम लापरवाह हैं। जितने ही मजाक से हम ये बात को ले रहे हैं, ये बात उतनी ही विचार करने लायक है। जहाँ हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली वे में लेते हैं, वहीं ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं हमारे लिए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में खुद को बचाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम इस भयंकर महामारी से बच सकते हैं तो हमें बचना चाहिए। या और भी हैं लोग, मैं उनसे पूछूंगी कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, क्या रीज़न है?
तो आइए और लोगों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। हेलो मैम, आप ने मास्क नहीं पहना? देखिए जैसे ही मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, पट से मास्क पहन लेते हैं या चुन्नी ओढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरह से जो लोग हैं शॉपिंग करने आए हैं मार्केट में, लेकिन मास्क के बिना, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छी तरह से किया जा रहा है। और लोग हैं, और लोगों से जानते हैं। ये अंकल जी आ रहे हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। तो आप, जैसे ही कोरोना अभी भी है हमारे बीच, तो मास्क क्या पहनना जरूरी नहीं है? मास्क पहनना जरूरी है, मैंने वैक्सीन भी दोनों लगाया है। अभी काम से जा रहा है, मैं भूल गया। ओके, तो क्या लगता है, लोग वैसे ही लापरवाह हो चुके हैं कोरोना को लेकर, तो क्या, आपको क्या लगता है? लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, बीमारी बढ़ गई है तो इसलिए। कई सारे देशों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम लापरवाह हो रहे हैं कोरोना को लेकर, क्या थर्ड वेव इससे आएगी? देखो एहतियात जरूरी है, अगर हम नहीं करेंगे तो बीमारी आ सकती है, दोबारा भी आ सकती है। थर्ड वेव आने का अंदेशा है? फिर तो आ गया। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने दोनों वैक्सीन करा ली है, लेकिन मास्क नहीं पहना, वो शायद जल्दी में थे, भूल गए। लेकिन जिस तरह से हम लापरवाही कर रहे हैं, थर्ड वेव आने का अंदेशा पूरा है, तो सतर्क रहिए, इस थर्ड वेव को के आने से बचिए। शुक्रिया। और लोग हैं, इनसे पूछते हैं। हेलो, क्या नाम आपका? मैम बाद में बात करते हैं। देखा, मास्क को लेके कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं कि बात नहीं करना, क्योंकि अपने आप में एम्बैरस फील होता है। परेड है यहाँ पर, बहुत रश देखा गया है, बहुत रश देखा गया है यहाँ पर। लोग अक्सर यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। मतलब ये जो जम्मू का सबसे, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको सुबह से लेकर शाम तक रश दिखाई देगा, भारी रश, खरीदारी, घर के हर सामान यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना की जो वेव है वो बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि लोग लापरवाह हैं इसको लेकर। बड़े सारे यहाँ पर ऐसे लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना। एक यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे। ये देखिए, ये फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, ये दो लड़के आ रहे हैं। आपका नाम? हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम साकिब इकबाल। ओके, तो जिस तरह से थर्ड वेव की अब अंदेशा है आने का, yes, तो क्यों लापरवाह हो रहे हैं हम मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? मैम एक्चुअली मैंने अभी अपनी कराई है, सेकंड डोज कंप्लीट कराई है। एक्चुअली आई एम पेशेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया हुआ कि मास्क कम पहना करो, दैट्स वाई मैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लापरवाह हो रहे हैं कोविड को लेकर, तो थर्ड वेव आने का अंदेशा है? बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, हमें सारे जो हैं कोविड के मास्क पहनना चाहिए, वैक्सीन सबसे पहले वैक्सीनेटेड होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल हमें करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं रही, लेकिन हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी तो सब ऑपरेशनल अभी तक देखे तो स्कूल कॉलेजेस ही खाली बंद हैं, बाकी सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो लेकिन हमें फिर भी थोड़ी परहेज करनी चाहिए और अपनी जान को बचाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि अब कुछ टाइम से जो जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आप गैदरिंग 25 से ज़्यादा इंडोर गैदरिंग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा पिछले ही दिनों में ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया रात 10 से लेकर 6 बजे तक। मैम एक्चुअली इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को हमें जितना हो सके उतना अवेयर करना चाहिए और खुद भी अवेयर रहना चाहिए और गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। कोविड मजाक नहीं है, कोविड एक दर्दनाक मौत है, तो लिहाजा हमें इसका गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और घरों में ही रहना चाहिए और गैदरिंग कम करनी चाहिए जैसा हो सके। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये कोविड के लिहाज से ये गैदरिंग जो हो रही है, मुझे लग नहीं रहा कि ये कोविड चल रहा है। सो मेरा यही है मैसेज लोगों को कि अपनी लाइफ को बचाएं, कोविड एक बहुत दर्दनाक चीज़ है, सो अपने घरों में रहें, अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू। थैंक यू अलॉट। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने इनसे बात करी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग कोविड को लेकर लापरवाह हो चुके हैं, हमें कोविड के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीमारी बहुत भयंकर है।
काफ़ी यहाँ पर ये लोग हैं जो अब बिल्कुल ही लापरवाह हो चुके हैं, जो इतना ध्यान नहीं देते कि अब उनको ऐसा लगता है कि कोविड नाम का है। जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू में गाइडलाइन जारी की गई है, शायद जिस तरह से केसेस राइज कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो गैदरिंग है उसको कम कर दिया गया है। पहले 50 की गई थी, अब 25 कर दी गई है। जो नाइट कर्फ्यू भी है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि डीसी अंकित गर्ग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, जो नाइट कर्फ्यू है उसे भी बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोविड के जो केसेस हैं वो राइज कर रहे हैं। यहाँ एक और आए हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी। नमस्कार, आपका नाम? हाँ जी। आपका नाम? नरेश गुप्ता। तो देखा गया है कि कोविड के, आपने देखा होगा पिछले दिनों में कोविड के केस राइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कोविड को लेकर लापरवाह हो चुके हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो अब लंबा चलेगा, अब इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीमारी भयंकर है, जानलेवा है। वो तो है, आपकी बात तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। मास्क भी लगाएंगे तो कानों में, माने ज़्यादा देर लगाएंगे दर्द रहती है, कानों में दर्द रहती है, ये तो आपको भी देखा होगा। नहीं उतारेंगे तो स्मेलिंग हो जाती है कान में, अब ज़्यादा देर तो लगा नहीं सकते ना। हाँ, कहीं रश में जाना हो फिर लगा लेते हैं। लेकिन जैसे आप दुकान करते हैं यहाँ पर, या आप कहीं आते तो जाते अंदर बैठते हैं ना, बाहर तो जब जाएंगे कहीं तो फिर लगाएंगे। जिस तरह से हम लापरवाही कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता हम थर्ड वेव को बुलावा दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो कुछ है ही नहीं है, मैं नहीं मान सकता। ऐसे 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 चुनाव आते हैं, सब कुछ आते हैं, हजारों की भीड़ होती है, वहाँ कौन चेक करता है, वहाँ कौन चेक करता है? हर जगह पे गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है। खुद बुलाते हैं, आओ हमारी लैडी में आओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाते हैं, वहाँ नहीं कोई परवाह करता, वहाँ नहीं कोई चलान करता। तो हमें अपने प्रति नहीं जिम्मेवार होना चाहिए। वो तो खुद ही सेफ रहेंगे तो तभी सेफ रहेंगे ना, अब क्या कह सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अब कोरोना से वो थक चुके हैं, लगभग 2 साल हो चुके हैं, स्कूल्स को बंद हुए, सब कुछ इस तरह से चल रहा है, लोग भी तंग आ चुके हैं कोरोना से, मास्क पहनकर कान दर्द होने शुरू हो जाते हैं। मैं फिर वही कहूंगी कि बात जितनी हम आसानी से ले रहे हैं, जितनी बात को हम लाइटली ले रहे हैं, ये बात उतनी लाइटली नहीं है, सीरियस इशू है। कोरोना जैसी महामारी से हम अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं, अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डालते हैं, क्योंकि ये बीमारी छूने से भी होती है। हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है और खुद को सतर्क रखना है कि हम इस महामारी से खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे बचा सकें। जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, उस तरह से ये कह सकते हैं हम कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और इस महामारी से खुद को बचाने के लिए हमारे पास एक ही है इलाज कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरीके से फॉलो करें, और जितना हो सके ज़रूरी काम हो तब ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़ी रहूँगी। कैमरामैन बुजुंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, JK News Today, जम्मू।